भाई बंदर है, चले या नहीं यार, आवाज जा रही पता नहीं कैसी कैसी। और ये खड़ी है हमारी बाइक गोदाम में, गेट रेडी गाइज। गाइज अभी हम बांगरन रोड पे हैं और शिवपुर में ही है वो रास्ता जहाँ से जाते हैं बाबा गरीबनाथ, और यहाँ से भी आपको दिख जाएगा, देखिए शायद वहाँ पर है बट अभी नहीं दिखे, वो जल्दी चलता है और अभी आप व्यू का आनंद लीजिए। और देखिए गाइज यहाँ पर आ चुका है बोर्ड सिद्ध बाबा गरीबनाथ, और ये रास्ता है, इसी रास्ते पे जाएंगे हम गरीबनाथ, और ये रास्ता जाता है डाक पत्थर, अम्बोया, पुरवाला और भी पता नहीं कहाँ कहाँ, बट हम जाएंगे इस रास्ते पे। और जो ये गांव है ना, ये गांव है शिवपुर, पौंटा साहिब से 7 किलोमीटर दूर है। और गाइज व्यू चेकआउट करिए आप, यहाँ पर देखिए सरसों के खेत हैं और गन्ने, और यहाँ सब्जी भी लगा रखी है, और आज यहाँ पर शायद कुछ है, ढोल की आवाज़ आ रही, और बस अंदर चलते हैं। यहाँ पर हरियाणा के लोग काफ़ी आते हैं भाई, ऊपर चलते हैं और यहाँ पर ढोल की आवाज़ आ रही, क्या प्रोग्राम होगा आज यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मंदिर कब से कब खुला रहता है और कब बंद होता है, 12 से 3 बजे तक ये सर्दियों में बंद रहते हैं वैसे। और कुछ इस तरह का व्यू है, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर देखिए। और ये गाइस मंदिर है और यहाँ पर हॉल, और गाइस ये देखिए यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट है मंदिर की, जहाँ पर ऊपर कुटिया है बाबा जी की, तो काफ़ी ज़्यादा दूर भी नहीं है, मुझे लगता है 2-1 किलोमीटर होगा। और यहाँ पर है मंदिर और आश्रम टाइप या भंडारे होते हैं। देखिए पीछे बढ़ रहा बंदर बहुत है। और गाइस पहला कुआ आ चुका है यहाँ पर, ऐसा कहा जाता है 5 या 7 कुएं हैं, और अभी तो देखिए इसमें पानी है, एक सूख भी जाता है। और यहाँ इस जंगल में ना 7 या 5 कुएं हैं टोटल, और इनकी भी काफ़ी तगड़ी हिस्ट्री है। अब आप आवाज़ सुनिए जंगल की, शांत रह के। भाई सही है यहाँ पर एकदम शांति, लेकिन बंदर बहुत है यहाँ। ओ भाई तो बच के आना, आराम से आओ, अच्छा एरिया है बहुत बाबा गरीबनाथ, और पौंटा साहिब से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। ओह गाइस थक गए यार भाई, काफ़ी है यार सीढ़ियाँ, और अभी और है देखिए मेरे बैकग्राउंड में, आगे टावर ही नहीं आ रहे हैं, तो टावर नहीं आ रहे, टावर नहीं आ रहे, मेरा दोस्त लाइव आ रहा था लेकिन टावर नहीं आ रहे यार, 1 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर होगा या 1 ही है, ऐसे हाइट पे है ना, हाइट है तब लग रहा, ज़्यादा दूर नहीं है। शांति गाइस शांति, चारों तरफ शांति। पहले तो यहाँ पर सीढ़ी भी थी, फिसल जाते थे, ऐसा था जैसे जंगल के बीच से जा रहे। आवाज़ कैसी आ रही है? ओ भाई बंदर है, चले या नहीं यार, आवाज़ आ रही पता नहीं कैसी कैसी। अरे आ जा बंदर ही होगा, जंगली सूअर तो नहीं है। और फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में, यहाँ से आए हम, बहुत घना जंगल है भाई, यहाँ जंगली जानवर भी होंगे, तू भी बैक आ रहा, और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं ऑलरेडी। और गाइस कुछ इस तरह की कुटिया है यहाँ पर बाबा गरीबनाथ की, और ये उनकी तपोभूमि भी है क्योंकि वो यहाँ पर स्वयं तप करते थे। और जितने भी पुराने महात्मा बाबा लोग रहे हैं तो वो जंगल में ही तप करने आते थे, क्योंकि एक जंगल ऐसा एरिया है जहाँ बिल्कुल शांति होती थी। और देखिए यहाँ पर बंदर के लिए अनाज भी डाला गया है खाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल प्लेस है यार, बहुत ज़्यादा। ये देखिए गाइस इंस्टा पे लाइव भी आना पड़ता है, अगर आप यहाँ पर बैठ कर 5 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं तो आपको काफ़ी पीसफुल महसूस होगा अंदर से, क्योंकि काफ़ी पीसफुल प्लेस है और नीचे टाइल लगी हुई है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, और लोग भी आते रहते हैं जाते रहते हैं। और एक और चीज़ गाइस, अगर आप यहाँ पर आएँ तो गंदगी ना मचाएँ, जैसे कुरकुरे चिप्स के पैकेट, तो इतने अच्छे प्लेस को गंदा ना करें, आएँ यहाँ पर बैठें मेडिटेशन करें। और कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, जाते हुए ना मतलब नीचे उतरते हुए सीढ़ी पर ब्रेक नहीं लगते भाई, ऐसे जाते हैं नीचे गिरने का खतरा ज़्यादा है, बच्चों के साथ तो आराम से आना जब भी आओगे आप, क्योंकि बड़े तो झेलेंगे चोट, और यहाँ पत्थर ही पत्थर हैं, क्योंकि
तो ऐसा सीन है यहाँ पर गाइस। और यहाँ पेंट मिट गया, लेकिन ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अमृत कुआ। तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ बात जरूर अलग होती है जो ऐसे कुएं होते हैं जंगल में। वंश कहाँ से है? पोंटा से है। तो गाइस मुझे यहाँ पर मेरा छोटा सा सब्सक्राइबर मिला है नया। ठीक है गाइस, चलते हैं घर की ओर। और वीडियो अच्छी लगी बहुत पॉपुलर है ये भी, कभी यूट्यूब पे चैनल है जैसे हमारा है, ये भी पॉपुलर होना चाहता है गाइस। तो ठीक है भाई, मिलते हैं जल्दी से किसी और अच्छी लोकेशन के साथ।